नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द्वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। देश भर में गौरक्षा के नाम पर या बच्चा चोरी की अफवाह पर पीट पीट कर हत्या कर देने की घटनाएं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं अभी भी जारी हैं। राजस्थान के अलवर ज़िले में गौ तस्करी के संदेह में भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले में एक महिला को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। अलवर की बात करें बहरहाल हम, तो जो मृतक की पहचान है तो वो हरियाणा के कोलगांव निवासी रकबर खान उर्फ अकबर खान के रूप में की गई है। मीडिया सोर्सेज के मुताबिक अकबर अपने साथी असलम के साथ पैदल दो गाय लेकर जा रहे थे। जब वो लालावंडी गांव से गुजर रहे थे तो लोगों ने उन्हें रोका, उन्होंने भागने की कोशिश की, भीड़ ने उनका पीछा किया और उसके बाद उन्हें गौ तस्कर समझ कर बुरी तरह से पीटा। असलम किसी तरह से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए। आपको याद हो, अलवर तब सुर्खियों में आया था जब पिछले साल अप्रैल में पहलू खान नाम के एक व्यक्ति की गौ तस्करी के शक में भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। अब इस कहानी में एक और मोड़, अवधेश अकोदिया की स्टोरी जो द वायर हिंदी में आप जाके पढ़ भी सकते हैं, उसमें वो बताते हैं कि भाजपा के स्थानीय विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा। उन्होंने बताया है कि घटना की सूचना देने वाले शख्स के मुताबिक और ये जो भाजपा के विधायक हैं, इन दोनों के मुताबिक पुलिस रकबर खान को अस्पताल ले जाने के बजाय पहले थाने ले गई, वहाँ पे उसके साथ बेरहमी से पिटाई की और ये इन दोनों का आरोप है। पहले पुलिस अधिकारी इन आरोपों से इनकार कर रहे थे और वहीं जो पूर्व विधायक हैं जुबैर खान, उनका कहना है कि जो भाजपा विधायक का आरोप है वो और कुछ नहीं बल्कि आरोपियों को बचाने की साजिश है। वहीं अगर अब इस चीज़ को फैक्चुअली देखें तो घटनास्थल से रामगढ़ का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तो 10 से 15 मिनट लगभग लगते होंगे, लेकिन पुलिस रकबर खान को यहाँ से ले जाने में उनको 3 घंटे लगे। कैसे लगे? अस्पताल में रकबर का इलाज करने वाले डॉक्टर के मुताबिक पुलिस उन्हें सुबह 4 बजे अस्पताल लेकर पहुँची है। वहीं जो विधायक ज्ञानदेव आहूजा हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस रकबर खान को 3 घंटे तक थाने में रखकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट करती रही। द वायर से बातचीत में भी इन्होंने कहा है, लोगों ने मौके पर रकबर खान से ज़्यादा मारपीट नहीं की थी, 2-3 थप्पड़ वगैरह मारे थे, लेकिन जब पुलिस वहाँ से ले गई थी तो वो सही सलामत थे। थाने में उसकी पिटाई हुई है और उसकी मौत हुई है। और घटना की जो सूचना देने वाले व्यक्ति हैं नवल किशोर शर्मा, जैसा कि हमने बताया, वो भी कुछ इसी बात को दोहरा रहे हैं। हालांकि पुलिस विधायक के इस आरोप को अभी तक खारिज कर रही थी, लेकिन ये जो बेरहमी से पिटाई करने का जो आरोप है पुलिस पर, अब पुलिस ने इस बात को स्वीकारा है कि वह अस्पताल ले जाने के बजाय कागजी कार्रवाई करने के लिए थाने ले गई थी। तो ये आरोप पुलिस पे चल रहा था कि थाने में इस व्यक्ति के साथ पिटाई हुई है। पुलिस ने अब इस आरोप को स्वीकारा है कि वो पिटाई की बात नहीं स्वीकारी अभी, लेकिन कहा है कि अस्पताल ले जाने के बजाय पहले थाने लेके गए थे कुछ कागजी कार्रवाई के लिए। तो रामगढ़ थाने में जो तैनात ASI थे मोहन सिंह, उन्होंने स्वीकारा है कि रकबर को अस्पताल ले जाने के बजाय पहले हम थाने ले गए थे, वहाँ पे कुछ लिखत पढ़त में ज़्यादा समय लग गया और उसके बाद इसी वजह से शायद अस्पताल ले जाने में देरी हो गई। वहीं जो रामगढ़ के सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं हसन अली खान, उनका कहना है कि यदि पुलिस सीधे अस्पताल लेके आई होती तो अकबर की जान बचाई जा सकती थी। उनका कहना है कि पुलिस ने अगर रात में 1 बजे घटनास्थल से उसको ले गई थी रकबर को, तो अगर सीधे अस्पताल लाया जाता तो उसको बचाया जा सकता था, क्योंकि उसकी मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हुई है। और 4 बजे तक क्योंकि पुलिस उन्हें अस्पताल लेके आई तो फिर उसे नहीं बचाया जा सका, वो मर चुका था। और ऐसे में अवधेश अकोदिया जी सवाल उठाते हैं कि क्या पुलिस रकबर खान को 3 घंटे तक थाने में क्यों लेकर बैठी रही, ऐसे कौन से कागजात हैं जिनको पूरा करने में 3 घंटे लग गए, क्या थाने में रकबर खान के साथ मारपीट भी हुई है। और यहाँ भी सामने आया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि पुलिस ने अकबर को अस्पताल पहुँचाने से ज़्यादा फुर्ती गायों को गौशाला पहुँचाने में दिखाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने लालावंडी के जो किशन लाल के वाहन से दोनों गायों को 10 किलोमीटर की जो दूर सुधा सागर गौशाला पे पहुँचाया और वो दोनों गायें रात 3 बजे तक पहुँच चुकी थी गौशाला, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं जो अकबर खान, उनको 4 बजे
अस्पताल पहुंचाया गया है। और इसी बीच पुलिस ने भी बताया है कि उन्होंने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रामगढ़ के जो थाना प्रभारी सुभाष शर्मा हैं, उन्होंने बताया है कि इसमें चार लोग का नामजद थे, जिसमें से परमजीत सिंह, धर्मेंद्र यादव को घटना के कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया था, नरेश राजपूत को शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया है, वहीं जो आरोपी विजय मूर्तिकार हैं वो अब भी फरार है। वहीं स्थानीय भाजपा विधायक, जैसा कि हमने आपको बताया, ज्ञानदेव आहूजा ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। द वायर से उन्होंने बातचीत में कहा कि पुलिस अपनी गलती का जो ठीकरा है वो दूसरों पर फोड़ने की कोशिश कर रही है। रकबर खान की मौत पुलिस की मारपीट से ही हुई है, ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस जिन चार लोगों को हत्यारा साबित करने की कोशिश में है, वो लोग पुलिस की मदद कर चुके हैं पहले भी, और उस दिन भी उन्होंने पुलिस की सहायता की। और अपनी ही पार्टी के विधायक की ओर से जो पुलिस पे यह आरोप लगा है, इसके बाद जो भाजपा के नेता हैं वो कुछ भी बोलने में थोड़ा पीछे हट रहे हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। और इस मामले की जांच अब रामगढ़ पुलिस नहीं बल्कि जयपुर रेंज के आईजी जो हेमंत प्रियदर्शी हैं, उन्होंने ये केस क्राइम ब्रांच के विजिलेंस के एडिशनल एसपी वीर सिंह को सौंप दिया है। तो जैसा कि हमने बताया कि अलवर में इससे पहले अप्रैल में पहलू खान की ये घटना हो चुकी है, गौ तस्करी के शक में उनकी भी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले पहलू खान ने जिन छह लोगों के नाम बताए थे, हालांकि राजस्थान पुलिस ने जांच में उन सभी लोगों को क्लीन चिट दे दी है। पहलू खान की हत्या के बाद अलवर जिले में एक और घटना हुई नवंबर में, जहां कथित गौरक्षकों ने गाय ले जा रहे मुस्लिम युवकों को रोक कर उनकी पिटाई की, उनमें से एक की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना गोविंदगढ़ के पास फहाड़ी गांव की है। मृतक की पहचान उमर मोहम्मद के रूप में हुई है। और साथ ही में इसके अलावा अलवर में ही अक्टूबर में भी पिछले साल एक और घटना हुई थी, जहां पे भीड़ ने एक मुस्लिम व्यक्ति की 51 गायों को छीनकर स्थानीय गौशाला में दान दे दिया था। शिकायत करने के बाद अधिकारियों ने आदेश दिया और गाय उस व्यक्ति को लौटाई गई। और इसके अलावा राजस्थान में जो नेता हैं वो भी इस गौ रक्षा के मुद्दे पे, गौ तस्करी के मुद्दे पे विवादित बयान देते जा रहे हैं। जैसे बीकानेर से जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल हैं, उन्होंने अकबर खान की हत्या के बाद कहा कि जैसे जैसे मोदी जी लोकप्रिय होते जाएंगे वैसे वैसे ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। बिहार चुनाव के समय अवार्ड वापसी, यूपी चुनाव के समय मॉब लिंचिंग, 2019 में कुछ और होगा। मोदी जी ने योजनाएँ दी हैं, ये उनका असर दिख रहा है। वहीं पहलू खान की हत्या के बाद जो रामगढ़ से भाजपा विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा ने कहा था, जो जो गौ तस्करी करेगा वो ऐसे ही मरेगा। और उसके बाद भी वो ऐसे कई मौके आए हैं जहां पे वो गौरक्षकों के समर्थन में बयान दे चुके हैं। और ये सारी घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ऐसे समय हो रही हैं जब पिछले ही हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने देश में ये जो मॉब लिंचिंग बढ़ रही है और उसके लिए संसद पे को एक नया कानून लाने के लिए कहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था भीड़ तंत्र को इस तरह से चलने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मॉब लिंचिंग को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, ये प्रभावी कार्रवाई करें क्योंकि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। और साथ ही में हालांकि जो भाजपा के काफ़ी नेता हैं उन्होंने नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं समझी, तो उन्होंने कहा था लिंचिंग के लिए निपटने के लिए कोई भी नया कानून की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो अब महात्मा गांधी के जो प्रपौत्र हैं तुषार गांधी और कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने याचिकाएं दायर की हैं और आरोप लगाया है कि न्यायालय की टिप्पणी के बाद पूरे देश में पीट पीट कर हत्या कर देने की जो घटनाएं हैं वो नहीं रुक रही हैं। उच्चतम न्यायालय ने अलवर में ये जो अभी हाल में घटना हुई है अकबर खान की मौत की, उसके बाद राजस्थान सरकार के खिलाफ ये जो अवमानना याचिकाएँ हैं उन पर 28 अगस्त को सुनवाई करने की सहमति भरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहाँ पे सिंगरौली जिले में एक और ऐसी घटना आई है जहाँ पे भीड़ ने बच्चा चोर समझ के एक महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी। महिला मानसिक तौर पर विक्षिप्त थी और जिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी महिला की लाश को वन विभाग की नर्सरी में फेंक कर भाग गए। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, उसने जांच शुरू की। और बीते 26 जून को भी सिंगरौली में एक ऐसा मामला सामने आया था जहां पर एक कार्यक्रम में भाग लेकर वो व्यक्ति जो था वो महिला की वेश में वापस लौट रहा था। भीड़ ने उसे बच्चा चोर समझा और उस पर हमला कर दिया, पीट पीट कर उसे अधमरा किया। उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर उसे मौके पर उसकी जान बचाई थी। घटनाओं का कारण व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे ये जो अफवाहें हैं, ये जो फेक न्यूज़ हैं, फर्जी मैसेजेस हैं, उन वायरल होने को बताया जा रहा है। और अभी जो मध्य प्रदेश में महिला शिकार बनी है भीड़ की इस आक्रोश का, उसकी उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
अभी तक सभी संदिग्धों में से 9 लोगों को गिरफ्तार करने की खबरें हैं। बुलेटिन की अगली खबर की अगर हम और चलें तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि जंतर मंदिर पर प्रदर्शन करने या धरना देने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग सकता है। न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वो जल्द से जल्द ऐसे दिशा निर्देश जारी करे जिसमें ऐसे प्रदर्शनों के लिए जो परमिशन है वो दी जा सके। पीठ ने यह भी कहा है कि नागरिकों के प्रदर्शन करने का जो अधिकार है और दूसरे नागरिकों का जो शांत जीवन जीने का अधिकार है, ये दोनों ही परस्पर विरोधी अधिकारों के लिए एक बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। पीठ ने यह भी कहा है कि जंतर मंतर और बोट क्लब यानी कि इंडिया गेट जैसी जगहों पर पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं रोका जा सकता और अभी तक ये जो NGT द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा इन जगहों पे प्रदर्शनों पे जो बैन लगा था उनको चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पीठ सुनवाई कर रही थी और NGT ने 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक जंतर मंतर के आसपास के सभी प्रदर्शन और धरने आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था और कहा था कि ऐसी जो गतिविधियाँ हैं वो पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करती हैं और NGT के जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने और NGT ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलनकारियों को धरने पर बैठे जितने भी लोगों थे उनको वैकल्पिक स्थल के रूप में अजमेरी गेट के रामलीला मैदान में तुरंत स्थानांतरित करने के आदेश दिए थे। महाराष्ट्र की भायखला जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार फूड पॉइजनिंग के चलते 9 और कैदियों के बीमार होने की सूचना मिली है और अब कुल जो कैदी इससे बीमार हुए हैं उनकी संख्या 104 हो गई है जिसमें से ज़्यादातर महिलाएँ हैं। अधिकारियों ने कैदियों के बीमार होने की जो बात है उसको फूड पॉइजनिंग बताया है, दूषित जल या किसी दवा का नुकसानदेह असर होने का संदेह जताया है। JJ हॉस्पिटल के जो मेडिकल अधीक्षक हैं डॉक्टर संजय सरासे, उन्होंने बताया है कि ज्यादातर कैदियों को अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है लेकिन 13 महिलाओं सहित अभी 15 कैदी अस्पताल में ही भर्ती हैं और इनमें से 2 महिलाएं ऐसी हैं जो गर्भवती हैं। सरासे ने यह भी बताया है कि कैदियों के बीमार होने का सही कारण पता लगाने के लिए अभी जांच चल रही है। इससे पहले जेल के एक अधिकारी ने यह भी बताया था कि कैदियों को और स्टाफ को एक एंटीवायरल दवा दी गई थी जिसके बाद बहुतों ने बेचैनी की शिकायत भी की थी और ये जेल पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में आया था जब जेल के अंदर एक मंजुला शेट्टी नाम की कैदी की हत्या हो गई थी और जिस पे अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर पीटे जाने के कारण हत्या होने का आरोप था और शीना बोरा हत्याकांड की जो मुख्य आरोपी हैं इंद्राणी मुखर्जी वो भी इसी भायखला जेल में बंद हैं। बहरहाल वो इन अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों में से नहीं हैं। बुलेटिन की आखिरी खबर की अगर हम और चले तो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो प्रस्तावित सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2018 है उसे लेकर केंद्रीय सूचना आयोग के जो हालिया सूचना आयुक्त हैं श्रीधर आचार्यलु ने इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने ये कहा है कि सभी सूचना आयुक्तों को उन्होंने एक पत्र लिखकर ये बताने की कोशिश की है कि ये संशोधन सूचना आयोगों को कमज़ोर कर देगा। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त से गुजारिश भी की है कि वे सरकार से आधिकारिक रूप से मिलें, उनसे कहें कि सूचना का अधिकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव वापस लिया जाए। उन्होंने इस RTI एक्ट को लोकतांत्रिक बताया है और कहा है कि सूचना आयुक्तों से रिलेटेड एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है, संशोधन लाया जा रहा है लेकिन किसी भी सूचना आयुक्त से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। और आपको बता दें केंद्र की ये जो मोदी सरकार है उसने राज्यसभा में RTI संशोधन बिल को लेकर आई है, हालांकि इसके भारी विरोध के चलते फिलहाल संशोधन प्रस्ताव को अभी स्थगित कर दिया गया है। इस बात की अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि दोबारा सरकार ये पेश करेगी या नहीं, लेकिन जो पूर्व सूचना आयुक्त हैं शैलेश गांधी, उन्होंने द वायर को बताया है कि मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा इस प्रस्ताव को लेकर आएंगे और क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं RK माथुर वो इस समय छुट्टी पे हैं, अवेलेबल नहीं है, इसलिए श्रीधर आचार्यलु ने माथुर के बाद जो सबसे सीनियर सूचना आयुक्त हैं यशोवर्धन आज़ाद को 19 जुलाई को पत्र लिखा और मांग की है कि सभी सूचना आयुक्तों की एक बैठक बुलाई जाए और इस मामले में सरकार को पत्र लिखकर संशोधन बिल को वापस लिए जाने को कहा जाए। तो ये सारी खबरों को जाके आप द वायर की वेबसाइट्स पे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, द वायर बुलेटिन में आज इतना ही। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।